इसलिए उसकी जगह मुझे करना होगा। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा युमिको। नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से घर जाओ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। चलो चले युमिको। पहले उसे खाना खिलाएंगे ना। हाँ। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी ना? ये देखो मेरे पास क्या है। क्या हुआ नन्हे खरगोश, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आओ ना नन्हे खरगोश। रुक जाओ। हाँ? रुक जाओ। तेनी जी उसे जल्दी पकड़ो। मेरे प्यारे नन्हे खरगोश, इतनी तेजी से मत भागो। ये अच्छा मौका है, हिलना मत, हिलना मत। बाप रे, कहाँ चला गया वो नन्हा खरगोश? अब मैं क्या करूँ? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा, तुम यहीं रुको। क्या मुसीबत है? तुमको ढूंढ ले। शिंजो, तुम? वो जो खरगोश था ना, वो अचानक कहीं चला गया है। अरे वाह शिशी मानो। कहने की तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में खतरे के चावल की खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? शिशी मानो, एक तुम ही हो जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। क्या तुम कुछ समय के लिए खरगोश बन जाओगे प्लीज? खरगोश? मैं तो एक डॉगी हूँ। कोई बात नहीं शिशी मानो, कहनी जी के लिए खरगोश बन जाओ। प्लीज मान जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट रोल दूंगा। चॉकलेट रोल? वही तो मेरी कमजोरी है। बस हो गया। हाँ अब सब कुछ ठीक है। हाँ बोलो तो झकास। ये लो इसे पहन लो। हाँ लाओ। अब मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ? अब मैं 100% खरगोश लग रहा हूँ है ना? युमिको देखो, मैंने उस खरगोश को पकड़ लिया है। अरे वाह, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके कान छोटे हैं? युमिको शायद वो पकड़े जाने की वजह से नाराज है। चलो अपने पिंजरे में जाओ। ठीक है, अब इसे खाना भी दे दो। हाँ ये खाने के लिए मना क्यों कर रहा है? इसे चॉकलेट रोल चाहिए। क्या चॉकलेट रोल? अरे नहीं, हो सकता है अभी इसका पेट भर गया हो। हो सकता है। चलो फिर हम वापस घर चलते हैं। तुम जाओ, हमें एक जरूरी काम करना है। तुम इतनी मेहनत से खरगोश लाए हो, मैं सोच रही थी मार्केट से तुम्हारे लिए केक खरीदूं, पर कोई बात नहीं। केक? अरे वाह, मैं भी आया। अरे मुझे भी तो ले जाओ, आखिर मैं इस पिंजरे में आया ही क्यों? क्या मुसीबत है? मैंने देख लिया, आखिर उस ढोल की पोल मेरे सामने खुली गई। वो खरगोश नहीं शिशी मानू है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे असली खरगोश को ढूंढकर उसे कहीं पर छिपाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या बेवकूफ, जब तक असली खरगोश पिंजरे में नहीं आएगा तब तक शिशी मानू को यहाँ पर रहना पड़ेगा ना, फिर तो मजा आएगा। डिंग डिंग, मैं तो यहाँ केनिची को बुलाने आया था, लेकिन अमारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो पार्क में घूम रहा था। मैं सामने देखिए खरगोश। भागने की कोशिश मत करना। हाथ और पैर जाम करने वाली कोगा निंजा टेक्निक। देखा कमाल। आपका जवाब नहीं बॉस। हाथ और पैर जाम करने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, इसे कहते हैं नहले पर दहला। मैं आया पहला। लेकिन इस समय पता नहीं केनिची और शिंजो क्या कर रहे होंगे। मैंने सुना खरगोश भाग गया था, तुमने उसे वापस लाने में बहुत मेहनत की। हाँ मैंने भी मदद की। एक और केक लो ना। अगर तुम इतना कह रही हो तो ले लेता हूँ। लेकिन शिशी मानो। क्या हुआ केनिची? हमें इसी वक्त जाना होगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ देर और रुकोगे। अच्छा तो हम चलते हैं। बाय बाय। चालीस शिशी मानो, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें भूल गए थे। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट रोल लाया हूँ। गुस्सा छोड़ भी दो और ये टेस्टी रोल जल्दी से खा लो। कहीं शिशी मानो सचमुच का खरगोश तो नहीं बन गया? क्या कह रहे हो? केनिची सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो शिशी मानो।
काश हथौड़ी यहाँ आकर हमारी मदद कर सकता। क्या ये चॉकलेट रोल मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये सब क्या हो गया? दोस्तों मैं यहाँ हूँ, चॉकलेट रोल खा रहा हूँ। हाँ? लेकिन तुम खरगोश से दोबारा शिशमनु कैसे बन गए? ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग 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 डिंग। केनिची और शिंजो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें शिशिमानु को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे चॉकलेट रोल मिल जाए तो मैं दोबारा खरगोश बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा रे, अभी तक तो केनिची को समझना ही मुश्किल था, लेकिन अब ये शिशिमानु भी मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। डिंग डिंग। आज है फ्रेंडशिप डे। डिंग डिंग। ठीक है बॉस। ओए कियो, तू समझ गया ना? अगर कुछ भी अलग सा होता दिखे तो तुरंत आकर मुझे बताना, समझा? हाँ समझ गया बॉस। याद रख, तुझे अपनी निंजा टेक्निक की हर रोज प्रैक्टिस करनी है। हाँ याद रखूंगा। रूप बदलने की गोगा निंजा टेक्निक। ठीक है, दिखा दे अपना कमाल। वाह, आपका होलिया बदल गया, आपने कमाल कर दिया। जरा रुको, अब तुम देखना मेरा कमाल। पता नहीं इस बार कौन सा हुलिया बनाएंगे। केनिची, कैसे हो? अरे युमिको, तुम केनिची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर मिले हो, आज फ्रेंडशिप डे है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। बहुत बहुत थैंक्स युमिको। क्या एक्टिंग है बॉस। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। केनिची बनके मैं तो मजे लूट रहा हूँ। सच कह रही हूँ, मैंने भी गिफ्ट दिया। गुड मॉर्निंग। उसने मेरे गिफ्ट का अभी तक जवाब नहीं दिया है, अभी मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग। हमारा आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। शुक्रिया। क्या बात है, लगे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा रुको तो युमिको। सब समझ गए ना कि वो सवाल कैसे करना है। युमिको सचमुच बड़ी अजीब लड़की है, उसने अमारा को तो चॉकलेट दी है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। शायद वो मुझे कुछ और अच्छा देने वाली है। क्या हुआ केनिची, क्या चाहिए? वो मैं नहीं। वो युमिको की बच्ची खुद को समझती क्या है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्त। चॉकलेट ना हो गई, कोई हीरा हो गया। माँ मार दिया। तुम मेरी पूछ पर खड़े हो केनिची, लगता है केनिची गुस्से में, इसीलिए उसे मेरी मुलायम पूछ नहीं हो रही है। डिंग डिंग। केनिची देखो, तुम्हारी वजह से इसे दर्द हो रहा है। माफ कर दो। क्या हुआ केनिची, आज तो तुम्हारा पसंदीदा दिन फ्रेंडशिप डे है। आज के दिन दो दोस्त आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपनी दोस्ती पक्की करते हैं। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे भाई सही कह रहे हैं, क्या हो गया है? मुझे बताओ केनिची, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या युमिको ने किसी और से दोस्ती करी? चुप रहो शिंजो। केनिची प्लीज मुझे बताओ, क्या शिंजो जो कह रहा है वो सच है? हाँ शिंजो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, हमारे बीच ना तो लड़ाई हुई है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे उसे गुस्सा आए। ओ युमिको, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर तो जरूर इसके पीछे युमिको की अपनी कोई वजह होगी। चलो केनिची, अब तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो। डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। युमिको प्लीज मुझे गलत मत समझना, ये सब मैं केनिची के लिए कर रहा हूँ। डिंग डिंग। अपनी बात दूसरे से बुलवाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। बहुत आसान है। हाँ सही कहा। अच्छा युमिको, क्या आज तुमने केनिची को भी चॉकलेट दी है? अच्छा युमिको, ये बताओ क्या आज तुमने केनिची को भी चॉकलेट दी है? आज स्कूल आने से पहले मैंने उसे चॉकलेट। मैंने सुना है तुमने केनिची को कुछ भी नहीं दिया। मैंने सुना तुमने केनिची को कुछ नहीं दिया। ये गलत है, मेरे पास इस बात का सबूत है कि उस समय वही था, लेकिन उससे कैसे पूछे? अच्छा तो ये सब क्यों के सामने हुआ था? डिंग 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 डिंग। शुक्रिया युमिको मेरा काम आसान करने के लिए। डिंग डिंग। ये सब कियो ने किया है। समझ गया केनिची, तुम्हारी प्रॉब्लम अब बस सॉल्व हो ही गई।
चॉकलेट चॉकलेट डिंग चिकन डिंग। वो इतना खुश क्यों हो रहा है? चॉकलेट देख, अगर युमी को कोई इन दोनों चॉकलेट की सच्चाई पता चल गई ना तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जल्दी दीजिए ना चॉकलेट खानी है। चुप कर, बिल्ली भी कभी चॉकलेट खाता है क्या? और वैसे भी ये दोनों चॉकलेट युमी को ने मुझे दी है, इसलिए इनमें से एक चॉकलेट मैं उसे वापस करूंगा और दूसरी खुद खा जाऊंगा। चॉकलेट पाने के लिए मदद ले ली, अब चॉकलेट नहीं दे रहे हैं। हमारा मैंने सब सुन लिया है, चॉकलेट लेने के लिए तुमने ऐसा किया। जरा जरा रुको, तो युमी को बात तो सुनो। मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे लड़के हो। बात तो सुन लो एक बार, दोनों चॉकलेट। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कट्टी, मुझे माफ कर दो प्लीज। जिस समय तुम चॉकलेट देने आई थी उस समय मैंने अपना रूप बदल कर केनिची का रूप पहन रखा था और इसीलिए मेरे पास दो चॉकलेट है। अच्छा तो ये मामला है, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। डिंग डिंग, मेरी वाली निंजा टेक्निक इस्तेमाल की। भागो प्लीज। डिंग 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 डिंग, ओए भाग, ये अब छोड़ेगा नहीं। भाग दिया रहा हूँ बॉस। अपना सामान तो लेते जाओ, हमारा नहीं चाहिए, मुझे अपने पास ही रख लो। अब मैं समझा, मैं अब बहुत खुश हूँ। देखो इसकी हंसी वापस आ गई। देखो युमी को आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए वो जरूर ले आऊंगी। मुझे ये चॉकलेट देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। मैं इस चॉकलेट को कभी नहीं खाऊंगा और इसे जिंदगी भर बहुत संभाल कर रखूंगा। कहना चाहिए ऐसे मत कहो, मुझे शर्म आ रही है। युमी को रुको, लोग चॉकलेट मांगने भी जल्दी हथौड़ी। जैसे तुम युमिको के बेस्ट फ्रेंड हो वैसे ही ये लोग भी उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए चॉकलेट मांग रहे हैं। कैसी बात करते हो हथौड़ी? मैंने कुछ गलत कहा क्या केनिची? मुझे शर्म आ रही है। क्या आज कोई मुझे भी चॉकलेट देने वाला है? डिंग डिंग, खाली कैन से बनाएंगे राप। डिंग डिंग, हाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा नया राप? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मैं युमिको को इसमें बिठाकर अपने साथ दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना सकता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पैदाइशी कारपेंटर हो ना, इसलिए तुम तो सोते हुए भी इसे बना लोगे। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ओए इतना ही जोश है तो राफ्ट बनाकर दिखाओ, तब तक मैं युमिको के साथ दुनिया घूम कर आता हूँ। बाय बाय। अब हमें भी हर कीमत पर राफ्ट बनाना ही होगा। हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, अगर राफ्ट बनाने में फेंकी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो? मेरा मतलब इस खाली कैन से है, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। इससे राफ्ट? वो कैसे? मैं तो बला मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, कैन में अगर कुछ बचेगा तो उसे खाली कर दूंगा। कुछ गलत कहो। कबाड़ में फेंकी हुई कैन खाली ही होती है और वैसे भी उसमें क्या चीज है हमें उससे कोई मतलब नहीं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैंने कुछ खाली कैन ढूंढ ही लिए। एक और खाली कैन, मजा आ गया। सुनो शहर के लोगों, ऐसे खाली कैन फेंकना बंद कर दो, होना अच्छा नहीं होगा। आंटी क्या हम वो खाली कैन ले सकते हैं? हाँ बच्चों ले लो, लेकिन उन खाली कैन का क्या करोगे? इससे हम शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, अब सारे खाली कैन लेकर जाओ। हाँ थैंक यू आंटी। इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है बॉस? सोच रहा हूँ। डिंग 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 डिंग, तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक छीनने आए हो क्या? डिंग, नहीं, मुझे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि उसका खाली कैन चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अरे वाह, खाली कैन मिल गया, मजा आ गया। कबड्डी कबड्डी, ये क्या? अरे वाह, कितना बड़ा कैन है। छोटे कैन तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये बढ़िया है, इसे लुटवाते हुए ले चलता हूँ। बॉस लगता है इसके दिमाग का पेच ढीला हो गया है। मुझे तो लगता है ये लोग राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो बॉस। शिंजो संभाल कर काम करना ताकि तुम्हें चोट ना लगे। हमें खाली कैन के मुंह को बंद करना होगा ताकि उसमें पानी ना जाए। अरे भाई शिशुमानो को अब तक आ जाना चाहिए। वो आ ही रहा होगा। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो हमारा शक सही निकला। हमारा बॉस। ओए खबरी, क्या खबर है? आपका शक सही निकला बॉस। अच्छा, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनको राफ्ट बनाने नहीं दूंगा। लगता है आपके दिमाग में कोई दाल पक रही है। वो देखो। ये तो जमीन में बम लगाकर कैन को उड़ाने की कोबरा निंजा टेक्निक है बॉस। आज तो बहुत सारे कैन इकट्ठा कर लिए। अरे ये क्या? आपका जवाब नहीं बॉस। क्या बात है, ये है हमारी जीत का पहला नमूना। लगता है जवाब होने वाला है। अरे कोई बचाओ। ये क्या? ये तो शिशुमानो के चिल्लाने की आवाज है। शिशुमानो ये तो क्या कर रहे हो? मेरे कंट्रोल में नहीं है, बचाओ।
इस बात पे। शिशिमानो ये तुमने क्या किया? शिशिमानो तुम्हें कैन लेने भेजा था या ड्रम लाने के लिए? माफ करना दोस्तों, आधे रास्ते में आकर न जाने ड्रम को क्या हुआ, वो तेजी से लुढ़कने लगा। समझ गया। ड्रम को तो तुम ही लुढ़का कर ला रहे थे ना? कोई बात नहीं दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम एक बार फिर से कैन इकट्ठी करेंगे, ठीक है? ओए सुना तुमने, अब हम क्या करेंगे? केनिची और बाकी नमूनों के पहुँचने से पहले ही हम सारे शहर से खाली कैन गायब कर देंगे। चल जल्दी। डिंग डिंग, तुम्हें उसकी चाल थी। खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला, अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो, हम शहर को सुंदर बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह खाली कैन, लगता है आज का दिन ही बहुत अच्छा है। चलो हमारी तो निकल पड़ी। मेरे सारे खाली कैन कौन ले गया? खाली कैन वाला भाई, खाली कैन वाला, अगर किसी के पास खाली कैन है तो हमें दे दो। ओए मैं कैन वाला हूँ इसलिए अपनी वैन मुझ पर चढ़ाएगा, कहीं मिलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। चोर कहीं के, एक चोर तमीज की बात करता अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खाली कैन चुराने की? मुझे पता नहीं था कि आपके अंकल, मैं तो बस इस कैन के बोझ को ढोकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था सचमुच। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप कितने अच्छे हैं, प्यार से गुस्सा ठंडा करने की टेक्निक। अंकल जी मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आपको और भी बहुत सारी खाली कैन मिलेंगी। जल्दी बताओ कौन सी जगह है वो। ये अंकल यहाँ क्यों आ रहे हैं? कैसे हो बच्चों? अंकल वो देखिए वहाँ पर कितने सारे खाली कैन पड़े हैं, आप जितने चाहे ले जा सकते हैं। हमारा के बच्चे हमारे लिए इतने सारे कैन इकट्ठे करने और यहाँ तक ढोकर लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमारा अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक, अब हम आसानी से राफ्ट बना सकेंगे। हमारा जवाब नहीं, हमने खाली कैन से राफ्ट बना ही लिया। ओए इतना उछलो मत केनिची, जरा यहाँ देखो। तुम लोग मेरे जैसा राफ्ट कभी नहीं बना सकते। खाली कैन से राफ्ट बनाना भी कोई मामूली बात नहीं होती। अभी पता चल जाएगा। चलो क्यों इनके राफ्ट को धक्का मारते हैं। यस बॉस, हम आ गए हैं। रुक जाओ हमारा, हम डूब जाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हम डूब गए तो ये रहा उसका अंजाम। अब तुम डूबो या तैरो उससे मुझे क्या मतलब। जोर मत करो, चुप हो जाओ वरना तुम सबको अभी नदी में डुबा दूंगा। लगता है मुझे बचने का कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तेज हवा चलाने की निंजा टेक्निक, डिंग 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 डिंग। कपड़े पहन कर नहाने में मजा है ना हमारा। वैसे अगर तुम थोड़ी रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें हमारी राफ्ट पर लिफ्ट दे सकता हूँ। डिंग डिंग, जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। हाय यूमिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुमने होमवर्क किया? होमवर्क? हाँ, आज दूसरे पीरियड में टीचर हमें डिक्टेशन देने वाले हैं। मुझे तो याद ही नहीं था युमिको। एक तो टीचर तुम्हें जरूर डांटेंगे। अब मैं क्या करूँ? गंदी मच गई जल्दी। रुको तो सही। पता नहीं है केनिची कब सुध लेगा। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बड़ा होना ही भूल जाएगा। डिंग डिंग, केनिची अपना होमवर्क करना भूल गया। केनिची हमेशा खेलता रहता है, पलाय कब करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम उसे टीचर से डांट खाते भी तो नहीं देख सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, उसे होमवर्क करना याद ही नहीं था। युमिको ने याद दिलाया। अच्छा ये बताओ, उसका डिक्टेशन टेस्ट सेकंड पीरियड में है ना? हाँ बिल्ले भाई। केनिची बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें हर हाल में इस समय उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। क्या मैं उसकी मदद कर पाएंगे? डिंग 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 डिंग, शुक्र है जल्दी हो गया। बच्चों आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है ना, मैं सबकी कॉपी देखने आ रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? डिंग 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 डिंग, क्या करूँ? केनिची तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो असल में सर, सर वो ये मत कहना कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। नहीं मैंने किया तो है, लेकिन अपनी किताब मुझे दे दो। सर वो केनिची तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैंने किया है। तो फिर दिखा दे क्यों नहीं? अरे वाह तुमने तो पूरा होमवर्क किया है, बहुत बढ़िया। क्या कहा? शुक्र है मैं समय पर आ गया। टिंग टिंग, हथौड़ी तुम। केनिची इसका मतलब तुम अपना होमवर्क करना भूले नहीं थे। हाँ युमिको,
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मैं तो अपना होमवर्क करना कभी भूलता ही नहीं हूँ, और डिक्टेशन टेस्ट का तो पूछो ही मत युमी को। हाँ तुम सच में कमाल के हो। मैं आ गया। वेलकम बैक केनिची, आज का दिन कैसा रहा? आज तो मेरे टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की, और ये सब हथौड़ी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हथौड़ी जरा मेरा बैग मेरे कमरे में रख देना, मैं खेलने। अरे केनिची, क्या आज तुम्हें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है? मिला है ना, मुझे 30 पेजेस डिक्टेशन लिखना है। हाँ तो पहले तुम्हें अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए। बस भी करो हथौड़ी, मेरा होमवर्क करने के लिए तो तुम हो ही ना, फिर मेरी क्या जरूरत? केनिची, तुम अगर अपनी निंजा टेक्निक से मेरा होमवर्क करोगे तो चुटकी में हो जाएगा, फिर मिलेंगे। डिंग 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 डिंग। नीचे आ जाओ युमिको, चलो खेलते हैं। सॉरी मैं नहीं आ सकती, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क तो तुम बाद में भी कर सकती हो। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ वो है तो क्या? मैं तो अपना होमवर्क खत्म करके आया हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं केनिची, लेकिन मेरे तो अभी 10 के आसपास पेज बाकी हैं। तुम ऊपर आकर मेरी मदद करो ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सारे बच्चों को अपना होमवर्क बिना किसी की मदद लिए खुद ही करना चाहिए। हथौड़ी, क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? नहीं मैंने होमवर्क नहीं किया। लेकिन क्यों? सुनो केनिची, बिना किसी की मदद लिए तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। अगर मैंने करना शुरू किया तो 2 दिन तक होमवर्क ही करता रहूंगा हथौड़ी। ठीक है, फिर अपने टीचर को जाकर बता दो कि होमवर्क किसने किया था। अरे अरे हथौड़ी, तुम तो बेकार में नाराज हो रहे हो। अच्छा क्या तुम कोई ऐसी निंजा टेक्निक जानते हो जिससे मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए? डिंग डिंग डिंग। जानते हो तो बताओ ना। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मैं जल्दी लिखने वाली टेक्निक की मदद ले लेता हूँ, पर आखिरी बार। ये हुई ना बात हथौड़ी, ये जल्दी लिखने वाली निंजा टेक्निक की घड़ी है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लोगे तो तुम और लोगों से 10 गुना ज्यादा जल्दी लिख सकोगे। डिंग 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 डिंग। अब देखना इसका कमाल। डिंग 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 डिंग। अब मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड बाय। भाई क्या सच में ऐसी कोई निंजा टेक्निक होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उसे पापा की पुरानी घड़ी दी है। अब देखते जाओ, जब जब घड़ी से टिक टिक आवाज निकलेगी तब तब तुम्हारे हाथ अपने आप और तेज चलने लगेंगे। यही है इसका फंडा। क्या बात है? शुरू करता हूँ। ये तो सच में फास्ट है। क्या बात है, बढ़िया। तो बच्चों, जिन जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है अपने हाथ ऊपर उठा ले। यस सर। लाओ दिखाओ मुझे। बहुत बढ़िया केनिची, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना होमवर्क तो मैं चुटकी में पूरा कर सकता हूँ। अच्छे भले भाई, शायद केनिची की कितनी तारीफ कर ले। डिंग डिंग। पापा की वो बुलाने गली तो सच में कमाल की है ना भले भाई? लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक है। सही कह रहे हो। केनिची को जल्दी से होमवर्क खत्म करना था, इसलिए मैंने उसे ये घड़ी दे दी थी। क्या बोले भाई? अब सब बच्चे कैलीग्राफी करेंगे और धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, समझ गए ना? यस सर। अरे मेरी कलाई, बाबा रे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मेरे हाथ नहीं रुक रहे। केनिची, केनिची मैंने आराम से लिखने के लिए कहा था, तुम्हारा हाथ सुपर फास्ट ट्रेन की तरह क्यों चल रहा है? सर मैं अपने हाथ को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? मेरा हाथ नहीं रुक रहा है सर। ये तुम क्या कर रहे हो केनिची? एक बार फिर केनिची को टीचर की डांट पड़ी। लगता है घड़ी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखा दोस्तों क्या हाल होता है ऐसे बच्चों का, अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। डिंग डिंग। शिशि मानु बन गया बेबी पिक की मम्मी। डिंग डिंग। ये क्या, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? पता नहीं क्या चाहिए उसे। मम्मा, 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 अब क्या करूं? मम्मा, 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 वापस चली जा, 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 वापस चली जा। पता नहीं ये मेरे पीछे क्या पड़ी है, भागो, बचाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं घर आ गया। आप आ गए?
ये आपके हाथ में क्या है? ये बेबी पिग हमारे घर के बाहर जोर जोर से रो रहा था। मुझे लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। ये नहीं हो सकता। भागो, बचाओ। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। ये मेरे पीछे आ रही है। क्या मुसीबत है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूर जाओ, उनसे दूर जाओ। क्या बात है शिशिमानो, ये बेबी पिग कहाँ से आ गई? थोड़ी मुझे इससे बचाओ, पता नहीं ये कौन है, मेरे पीछे पड़ गया। ये बेबी पिग तो बुरा मान गया, देखो कितना जोर से रो रहा है। मैं जानवरों की आवाज़ समझने वाली टेक्निक से अभी पता लगाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। बू 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 बू, ये क्या कह रही है? अच्छा, तो ये बेबी पिग शिशिमानो को अपनी मम्मी समझकर उसके पीछे भाग रहा है। नहीं। अब हम क्या करें, ये बेबी पिग तो पैदा होते ही अपने घर से अलग हो गई है और इसे अपनी मम्मी का चेहरा भी ठीक तरह से याद नहीं है। ये बेबी शिशिमानो को ही अपनी मम्मी समझ रहा है। मुझे लगता है शिशिमानो डॉगी ना होकर असल में एक पिग है। क्यों, क्या कहते हो? क्या? अच्छा, तभी तो जब ये पहली बार हमारे घर आया था तो मुझे भी ये पूरी तरह डॉगी जैसा नहीं लग रहा था। क्या? नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं एक डॉगी हूँ, देखो मैं डॉगी की तरह भागता हूँ। देखो इसकी पूछ भी बिल्कुल पिग की तरह है। क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोगों की आंखें खराब हो गई है। देखो मेरी पूछ सीधी हो गई, मैं डॉगी ही हूँ। हाँ सच में शिशिमानो, अब तो तुम बिल्कुल एक डॉगी की तरह ही लग रहे हो। शिशिमानो कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि निंजा डॉग है। अतोड़ी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं थक गया हूँ। इस पूछ को भी अभी मुड़ना था। शिशिमानो हम समझ गए कि तुम एक डॉगी ही हो। कल हम जाकर इस बेबी पिग की माँ को ढूंढेंगे, लेकिन तब तक ये तुम्हें ही अपनी माँ समझती है। सिर्फ आज रात के लिए इसकी मम्मी बन जाओ। मुझे क्यों फंसा रहे हो? तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों। देखो ये उसका कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है। अरे ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं करता, रुको मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। यहाँ यहाँ कर लो तुम। शुक्र है आखिर ये सो गई। मुझे गुदगुदी हो रही है, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? गुदगुदी हो रही है, मैंने इसे रुला दिया। हथौड़ी ठीक से बताओ ना, हम उस बेबी पिग की मम्मी को कैसे ढूंढेंगे? हम उसकी मम्मी को आवाज गूंजने वाली टेक्निक की मदद से ढूंढेंगे। मैं कुछ समझा नहीं हथौड़ी। डिंग डिंग, तो चलो हम भी आ रहे हैं। तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा सूरज, तू ही मेरी आँखों का तारा। इस पहाड़ से हम उसे कैसे ढूंढेंगे हथौड़ी? अब मैं आवाज गूंजने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। इतनी धीमी आवाज से काम हो जाएगा? ये देखो कैनिची, बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। बेबी पिग की मम्मी जहाँ भी हो वापस आ जाओ। अरे ये अचानक तुम चिल्ला क्यों रही हो? बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे। कल हम अपने फार्म से कुछ पिग को ट्रक में चढ़ा रहे थे तो हमारा एक बेबी पिग कहीं गिर गया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? शिशिमानो ये इसी की बात कर रहा है। चलो इसे छुटकारा मिल गया। चलो बेबी पिग, जाओ जाकर अपनी असली माँ से मिलो। बेटा, अरे अब ये नई मुसीबत कौन है? बेटा ये कैसे हो गया? अरे ये तो मेरी डुप्लीकेट है। अच्छा, तो इसलिए बेबी पिग तुम्हें गलती से अपनी मम्मी समझ रही थी।
शुक्र है बच्चा मिल गया। बेटा चलो अंदर जाओ। बेटा बेटा